मोदी 3.0 अब एक रियलिटी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज बैक इन द प्राइम मिनिस्टर सीट। उनकी कैबिनेट की स्वेयरिंग इन हो चुकी है। अब मार्केट जाने वाला है और इसके लिए हमारे पास है एक ऐसे शख्स जिन्होंने बहुत बखूबी पिछले 10 साल के बुल मार्केट को पकड़ा था। जी हाँ, हम कर रहे हैं मॉर्गन स्टैनली के मैनेजिंग डायरेक्टर रिधम देसाई। थैंक यू सो मच रिधम, आज हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और आपने एक लगातार एक लाइन पकड़ी थी कि ये साल नहीं, ये दशक और अगले कुछ, क्या अब उस पर एक मोहर लग रही है? ऑफ कोर्स मोहर तो लग गई है। अगले होगा देश का, तो ये तो बोलते रहेगा, बुल मार्केट चलता रहेगा। तो पिछले 10 ऑलरेडी काफी गेन्स फ्रंट लोडेड तो नहीं हो गए? क्या आपको लगता है कि यहाँ से भी मार्केट, अनुज, पिछले 5 साल में निफ्टी ने कुछ 15% या 16% का कंपाउंडिंग किया है। इतना भी भयंकर रिटर्न नहीं हुआ, उतना ही कंपाउंडिंग हुआ है, 15% से 16%। तो ऐसा कुछ मार्केट इतना भी तेजी से नहीं बढ़ा है जितना ऐसा लगता है, क्योंकि लोग एक पिछले एक साल का रिटर्न देखते हो, लेकिन आपने 2022 में कुछ नहीं बनाया था, राइट? तो वो चलते रहता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये अगर ये पूरा बुल मार्केट है तो समय के अनुसार हम कहीं यहाँ पे हैं, लेकिन रिटर्न के अनुसार जो आपको रिटर्न मिले वो कहीं यहाँ पे है। तो काफी अभी और इसका तय करना बाकी है, तो ये चलेगा अभी थोड़ी देर के लिए। अच्छा, एक चीज मुझे याद है, जो हमारा पिछला इंटरव्यू था उसमें आपने कहा था कि मार्केट के पास एक ही रिस्क है, पॉलिटिकल रिस्क। हालांकि ये एक बेस केस है कि नरेंद्र मोदी विल कम बैक, लेकिन जब तक इट्स नॉट डन मुझे अच्छे से याद है। एक बार के लिए थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन हो गया था मार्केट को ट्यूसडे को, मार्केट काफी गिरा भी। अभी भी मार्केट में एक रिस्क ये है कि ये अभी भी फुल मेजोरिटी वाली सरकार नहीं है बीजेपी की, एक एनडीए की सरकार है। तो क्या पॉलिसीज में कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कंपेयर टू जो पहले पॉलिसीज थी उसके? पहले हम पॉलिटिक्स की बात कर ले, फिर पॉलिसी पे आए। तो हम क्या है ना, बिगड़ गए 2014 और 2019 के कारण। आप पिछले 35 साल का हिसाब देखो, ओके, 89 के साल से लेके 2014 तक ये देश ने सिर्फ कोएलिशन सरकारें देखी हैं। बिल्कुल। ओके, जो भाजपा की सीट है, ओके, ये नरसिम्हा राव की सरकार की तुलना में है, राइट? उनकी सरकार चली थी 5 साल, वो भी कोएलिशन थी। तो मुझे कोई शक नहीं है ये 5 साल चलेगी। दूसरी बात, नरसिम्हा राव ने किया था पूरा सुधार, रिफॉर्म्स किए थे, उनको कोई बाधाएं नहीं हुई, तो इनको क्यों होगी? 98 में और 99 में भी नहीं हुई थी कोई बाधाएं, वैसे अगर देखा वहां तब तो बीजेपी की तो बहुत कम सीट्स थी। ठीक है, आप 98-99 को छोड़ो, 97 का बजट याद करो, वो जो चिदम्बरम का बजट था, ड्रीम बजट। हाँ, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, ओके, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एकदम एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। ओके, तो मुझे कोई बाधा नहीं दिख रही है। एक पहली बात मेरे कहने की है, मैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये सरकार 5 साल चलेगी। ओके, दूसरा मेरा ये कहना है कि जो सुधार हो रहा है इकोनॉमी में वो चलते रहेगा और गति यहाँ से बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ओके, तो इसमें बाजार को पॉजिटिव सरप्राइज मिलने वाला है, बाजार को पॉजिटिव सरप्राइज मिलने वाला है। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो फिर यहाँ से मैं पढ़ रहा था आपकी रिपोर्ट, वैसे बहुत शानदार रिपोर्ट लिखी है रिदम आपने। आप कह रहे हैं कि इंडिया का जीडीपी 6.8% और सीपीआई 4.5%, ये करीब आपका एक एस्टिमेट है। FY26 के लिए आप EPS शायद कंसेंसस से 5% ज़्यादा लेकर चल रहे हैं, इतने बुलिश क्यों हैं? तो इसमें हमें अभी पॉलिसी का डिस्कशन लाना पड़ेगा। ओके, तो मैं, मेरे हिसाब से ये, मैं थोड़ा अभी इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुधार तो बहुत क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन चार जिस पे मेरा जो केंद्र है वहाँ पे मैं देख रहा हूँ। पहली बात कि मैक्रो स्थिरता पे ध्यान रहेगा, वो केंद्र हटने वाला नहीं है। मैक्रो स्थिरता से क्या हुआ है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई का दर है, वो नीचे आया है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महंगाई की दर में जो ऊंचा नीचा होता था, वॉलेटिलिटी, वो एकदम से थम गई है।
उसके कारण हमारे शेयर बाजार में वोलेटिलिटी कम हो गई है, हमारे करेंसी बाजार में कम वोलेटिलिटी, तो एकदम वोलेटाइल रह ही नहीं है, बॉन्ड मार्केट में भी अगर आप देखो आज की तारीख में पिछले 12 महीने की निफ्टी की वोलेटिलिटी यूएस मार्केट से कम है। हम तो इमर्जिंग इकोनॉमी है, वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, लेकिन उल्टा बिहेव कर रहे हैं हम लोग, डेवलप की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो इसका जो श्रेय जाता है वो सरकार की मैक्रो स्थिरता पे जो केंद्र है, केंद्रित है, उस पे जाता है। तो ये मुझे लगता है ये बरकरार रहेगा। तो ये जो अब इलेक्शन के तुरंत बाद आप देखोगे मार्केट में कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक्स चलने लगे, क्योंकि लोगों का मानना था कि अब सरकार ये जो आय आती है उसको अब वो बांटेंगे। मुझे नहीं लगता है वो होगा, ना तो भाजपा होगा, ना तो भाजपा की फिलॉसफी है, ना उनकी पॉलिसी है कि ऐसा करें। और इससे करने से कोई गरीबी नहीं हटती है। देखो इसके पिछले 70 साल में ही हम कर चुके हैं, गरीबी की रेखा के नीचे जो लोग थे वो उतने ही रहे। पिछले 10 साल में करीबन 10-15% लोग उठे हैं, क्योंकि उनको आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। पैसे बांटने से कोई गरीबी कम नहीं होती है, अगर आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो तो लोग गरीबी से ऊपर। यहाँ पे एक व्यू भी रहा है कि एक इक्विटेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है। तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है पॉलिसी का केंद्र वो है जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना दो तरह की है, एक तो आपकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, और दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आप हर घर जल ला रहे हो, घर पे सोलर पैनल्स लगा रहे हो, ये जो है ये दोनों के कारण मेरे हिसाब से ग्रोथ बना रहेगा। तीसरा जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो फोकस है, उससे आई थिंक उससे जॉब क्रिएशन होगा। ओके ओके। और चौथा जो है वो है ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। तो ये जो चार पॉलिसीज है यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कोई फेरफार होने वाला है, गति और बढ़ेगी। तो उससे कॉरपोरेट की आय में, उनके प्रॉफिट्स में काफ़ी पॉजिटिव असर। 5% का डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा है वैसे, लेकिन मैं अगर आप बोलूँ 3 साल का व्यू आप पकड़ो ना, एक साल का व्यू छोड़ दो, 3 साल का व्यू पकड़ो, तो मेरे जो एस्टिमेट्स हैं ना वहाँ से भी ऊपर रिस्क है। ओके अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है फिर। एक तो पहले बात करते हैं नियर टर्म की, आप सेंसेक्स टारगेट लेके चल रहे हैं इस साल का 82,000, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि अगले 3 साल में सेंसेक्स का EPS CAGR रहेगा 20%, 5 साल में सेंसेक्स का EPS CAGR रहेगा 20%, लेकिन आप सेंसेक्स को CAGR दे रहे हैं 12-15%। मैं तो नॉर्मल बुद्धि से सोचूंगा तो ये कहूंगा कि मार्केट में तो अगर और रीरेटिंग हो तो उल्टा हो, ज्यादा होना चाहिए ना, EPS से ग्रोथ से कम क्यों होगा? सो अनुज, इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जो अगले साल का जो सेंसेक्स का व्यू है ना, वो पूरे ग्लोबल मार्केट पे भी निर्भर है। अब जैसे कि हमारे जो अमेरिका में स्ट्रेटजिस्ट बैठे हैं, उनका ये मानना है कि SPX ये साल 5400 के आसपास रहेगा। और वहाँ पे तो पहुँच गया है SPX। तो अगर SPX यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है और वो अगर सही है तो सेंसेक्स को ज़्यादा बढ़ना मुश्किल है। फिर भी मैं मेरे अनुमान से सेंसेक्स और भी बढ़ेगा, मतलब SPX को आउट परफॉर्म करेगा। तो ये हुई नज़दीकी की बात। अब 5 साल का जो व्यू है ना, पहली बात, दो बात मैं बोलूँगा। एक तो कि बाजार को पता है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बाजार को नहीं पता है। तो थोड़ा सा तो भाव में है। ये कितना भाव में, अगर आप कह रहे हैं कि 15% CAGR हुआ है तो फिर कितना भाव में है? नहीं तो जो मेरा अनुमान है मेरे हिसाब से करीबन 40% भाव में है, ऑफ द ग्रोथ जो ग्रोथ आने वाला है उसका 40% भाव में है, 60% आपका अभी भी बाकी है। दूसरी जो एकदम इम्पोर्टेंट महत्व की बात है वो है कि कोई भी शेयर बाजार ऐसे नहीं जाता है, वन लाइन में ऐसे जाएगा, राइट? तो एक समय आएगा जब सेंसेक्स ओवरवैल्यूड हो जाएगा। ओके, वो आपका फिर वो एक पॉइंट होता है, वहाँ से फिर रिटर्न आपके बहुत कम हो जाएंगे, बाजार गिर भी सकता है। तो मैं एक 5 साल का व्यू देख रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हर एक साल 12-15 बढ़ने वाला है, ये कभी 25-30 भी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो जैसे हुआ था बीच में, ये तेजी का बाजार जो 2020 जून से शुरू हुआ है वो कोई एक स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जा रहे हैं, तो वो भी समझने की जरूरत है। ओके ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी भी मार्केट में पूरी तरीके से प्राइस नहीं हुआ अभी, 40% प्राइस, 60% तो मतलब बहुत ग्रोथ बाकी है अभी तो मतलब। और ये मेरे अर्निंग्स ग्रोथ के एस्टिमेट से है, अगर अर्निंग्स ग्रोथ से आगे आया तो वो भी हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, जब इकोनॉमी में ग्रोथ होता है तो हमेशा से थोड़ा ऊपर की तरह सरप्राइज आना
तय है, और वो हम आज बैठ के इधर अनुमान नहीं लगा सकते। इसमें दो तीन रिस्क फैक्टर्स जो है वो बाहर के हैं, जैसे आपने शुरुआत की कि पॉलिटिकल रिस्क फैक्टर, लेकिन जो बाहर के रिस्क फैक्टर्स है वो अभी तक गए नहीं है। जैसे ग्लोबल रिसेशन हो सकता है, ओके, यूएस इलेक्शंस, तो मैं जियोपॉलिटिक्स है, चाइना का फैक्टर अभी भी है, चाइना डिफ्लेशन में है, तो वहाँ से भी रिस्क आना चक्य है। तो ये सब पूरा हम लोग इसका यू नो एस्टिमेट बना नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा रिस्क बाहर से आ सकते हैं, थोड़े से रिस्क, ओके, तो थोड़े से रिस्क बाहर से आ सकते हैं, ये इंडिया के लिए। फिर लेकिन डोमेस्टिक रिस्क भी कोई है, या फिर अब रिस्क सारे के सारे इंपोर्टेड ही रहेंगे? डोमेस्टिक में मैं बोलूँ तो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स है, ओके, तो आज अगर आप देखो तो अपना जो GDP है उसका ग्रोथ रेट करीबन 6.5-7% के आसपास है। इसको 8 ले जाने की चेष्टा रहेगी इस सरकार की, ओके, लेकिन 8 ले जाने के लिए उनको सप्लाई साइड में काफ़ी कुछ बदलाव करना पड़ेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में, ढांचे में तो बदलाव आ रहा है, तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना लिया, लेकिन जुडिशरी में कैपेसिटी है, 70,000 केसेस आपने पेंडिंग है, हमारे पास कानून है, लेकिन उस कानून को आप जाके कोर्ट में इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते हो, क्योंकि कोर्ट में लाइन लगी हुई है। तो अगर आपको, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही आप ग्रोथ रेट उठाओगे तो ये कुछ आपके जो सप्लाई साइड जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आगे आने लगेंगे। मैं और एक बोलूँ आपको, हमारे यहाँ हेल्थ केयर और एडुकेशन में भी ये सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स है, ब्यूरोक्रेसी में है, तो ये थोड़े सप्लाई, मेरे हिसाब से ये सरकार बहुत काम करेगी इस क्षेत्र में, और ये बाजार में डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता है इसका, इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है। उससे क्या होता है कि ग्रोथ रेट आपका, इनफैक्ट मैं अगर आप एक स्टेटमेंट बनाऊं भी, तो मेरा ये मानना है कि मोदी 3.0 में सबसे बड़ा केंद्र ये रहेगा कि ये जो इंडिया का पोटेंशियल ग्रोथ है जो आज 7% के आसपास है, उसको 8 कैसे करें। उसका फ़ायदा ये है कि जो आज इंडिया में करीबन 15% लोग गरीबी की रेखा के नीचे है, उनको ऊपर उठने के लिए ग्रोथ को 8 तक ले जाना आवश्यक है, तो ऐसे ही ये लोग उठेंगे। जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कि when the tide rises all the boats get lifted, ओके, तो बड़े बड़े बोट्स तो लिफ्ट हो गए हैं, लेकिन छोटे को उठाने के लिए पूरा टाइड की जरूरत है। अच्छा, एक क्योंकि आपने बात छेड़ी कि ये बुल मार्केट माइट बी एजिंग, लेकिन रिटर्न्स के हिसाब से अभी भी बाकी है। हम जितने भी लोग, एटलीस्ट मैं तो, क्योंकि मैंने अपना करियर 2003 में स्टार्ट किया था, मुझे तो वो जो बुल मार्केट याद है वो 2003 से 8 की बुल मार्केट याद है, जो शायद एक 5 साल तक चली, बीच में करेक्शंस आई, लेकिन रिटर्न्स के हिसाब से शायद सबसे शानदार रही ये जो बुल मार्केट कोविड के बाद से शुरू हुई है। टाइम वाइज तो ऑलमोस्ट हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, 4 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, या होने वाले हैं, तो क्या 1-1.5 साल और रिटर्न्स वाइज, मतलब कैसे कंपेयर करेंगे इन दोनों बुल मार्केट? अनुज, आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे थे उसमें मैंने एक लाइन लिखा है, दिस विल बी द बेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बुल मार्केट इन इंडियाज हिस्ट्री। ओके, मैं एक पिक्चर का डायलॉग बोलूं? हाँ बोलिए। अभी तो पिक्चर बाकी है। मैं भी बहुत समय चलेगा ये। थोड़े रिस्क है ग्लोबल, उसको अब हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और हमारे यहाँ डोमेस्टिकली थोड़ा पॉलिसी करना है। इनफैक्ट मुझे दिल्ली से कोई रिस्क नहीं लग रहा है, एक्चुअली ना प्रॉब्लम स्टेट लेवल पे है। ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे इतना बदलाव नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए, और सब स्टेट्स को एक साथ उठने की ज़रूरत है। इसलिए प्रधानमंत्री जब बात करते हैं ना, कंपेटिटिव फेडरलिज्म बहुत महत्वपूर्ण है, कि स्टेट्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन करें कि हमें भी टेस्ला की फैक्ट्री लगानी है, और 5 स्टेट बोले हमें लगानी है, ये 5 से 10 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, तभी जाके पूरा यू नो ये पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो ये एक रिस्क फैक्टर अभी भी है कि हमारे स्टेट्स वहाँ नहीं है जहाँ उनको होना चाहिए।
शाहरुख खान का एक डायलॉग बोला आपने कि पिक्चर अभी बाकी है, तो मैं भी शाहरुख खान का एक डायलॉग यूज़ करता हूँ जो मैंने आज सुबह भी यूज़ किया था कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन। एकदम ये मुझे याद है 3-4 साल पहले आपने एक लाइन ली थी कि इंडिया में डोमेस्टिक इक्विटी कल्ट बढ़ेगा और बहुत डोमेस्टिक पैसा मार्केट को चेज करेगा। 9 ईयर्स हो गए वो बात को कहे। मैं मुझे मुझे याद है 2015 में बोले, मुझे याद है आपने कई साल पहले बोली थी। और उस समय क्या आपने सोचा था कि इस लेवल का पैसा आएगा, जो जैसे उस दिन एक ही दिन में 21,000 करोड़ की बाइंग आ गई डोमेस्टिक, क्या आपने सोचा था इस लेवल का पैसा आएगा? और क्या अब ये हमारी करेक्शंस को कम, मतलब थोड़ा शैलो कर देगा? जो पहले करेक्शन 25-25, 30-30% हो जाती थी, क्या अब वो थोड़ी सी रिलेटिवली कम हुआ करेंगे? सो अनुज, इस सिलसिले में हमने 3 रिपोर्ट लिखी थी, एक 2015 में लिखी थी, 17 में लिखी थी और 19 में लिखी थी। मैं 19 वाले की बात करता हूँ क्योंकि जो फोरकास्ट 19 में किए थे हम वहाँ पहुँच रहे हैं अभी। ओके, आगे नहीं निकल गए। 19 में ना हमने ये डोमेस्टिक बाइंग की तुलना अमेरिका से की थी। तो 1980 में जो आपने कहा था इज इट इंडियाज 401k, हाँ, तो मैं आपको समझाता हूँ। 1980 में ना प्रेसिडेंट रेगन थे, उन्होंने ना पहली बार 401k प्लान्स अमेरिका में, हमारे यहाँ जैसे प्रोविडेंट फंड और एनपीएस होते हैं वैसे अमेरिका में 401k होते हैं, उनको पहली बार इक्विटी में इन्वेस्ट करने की परमिशन मिली। ओके, वहाँ से अमेरिका में 20 साल का बुल मार्केट शुरू हुआ और वो खत्म हुआ नैसडैक बबल के साथ। ये बबल ही होता है। ओके, हम नहीं पहुंचे हैं वहां पे। 1987 में एक दिन में डाउ जोन्स 20% से ज्यादा गिरा था, एक दिन में, अक्टूबर 1987 में। तब भी यूएस के जो घरेलू इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैसा डाला, कोई भी करेक्शन उनको डरा नहीं सका। जैसे आपने बात की 3rd या 4th June की, कोई भी करेक्शन उनको डरा नहीं सका। और ये अपने यहाँ भी यही ट्रेंड रहेगा। अब मेरा ये मानना है कि अमेरिका में 20 साल में ही ख़त्म हो गया, क्योंकि अमेरिका में जब हम 2000 की दशक में आए ना तो काफ़ी लोग रिटायर होने शुरू हो गए। ओके, हमारे यहाँ रिटायरमेंट नहीं होने वाला है अगले 20-30 साल, अभी तो यंग है पॉपुलेशन का, तो ये तो चलते रहेगा। इसको अभी इसको ना थोड़ा दबाने के लिए कंपनीज को अभी इक्विटी इश्यूएंसेस करने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी बबल आ जाएगा। और फ्रैंकली मुझे ये जल्दी बबल नहीं चाहिए, ये चलना चाहिए। तो बबल हमें नेक्स्ट 2 साल में बबल नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बिकॉज मैं आपको समझाता हूँ, बबल बहुत खराब तरीके से एंड होते हैं। बबल के बाद क्या होता है ना मार्केट, हाँ, और फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस वापस लाना मुश्किल है। थोड़ा सा इश्यूएंस होगा, थोड़ी सी इक्विटी रेजिंग होगी, और मुझे लग रहा है कि प्रोग्रेस थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। अगले 6 महीने में काफ़ी मात्रा में मुझे लग रहा है नए IPOs आएंगे। ओके, और ये किस फील्ड में होंगे ज़्यादातर? न्यू इकोनॉमी की फील्ड? नहीं, सब जगह से आ रहे हैं। सब जगह से, कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इनफैक्ट कॉर्पोरेट निवेश के का सबसे अच्छा समय रहेगा। तो आप 2003 और 7 की बात कर रहे हैं ना, तो 2003 में ना कॉर्पोरेट निवेश GDP की तुलना में 4% था, 2010 तक वो 17 हो गया, 4 से 17 हुआ। आज कॉर्पोरेट निवेश 5% है और मेरा मानना है कि अगले 4-5 साल में ये 10% हो जाएगा। हम फिर भी 2010 की पीक पे नहीं आ रहे हैं। ओके, और ये जो निवेश होगा सब जगह हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में होगा, सर्विसेज में होगा, सब जगह हो रहा है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, फिर इसको पोर्टफोलियो के हिसाब से कैसे प्ले किया जाए? क्योंकि मैं पढ़ रहा था आपकी रिपोर्ट को, आप साइक्लिकल्स में जाना चाहते हैं और डिफेंसिव्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं, उसका एक कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया उसका, लेकिन अगर और कुछ नहीं तो पहली बात, जो नीतियाँ हैं सरकार की उससे लेके, पहली बात यह है कि आपने जो बात कर ली मैं रिपीट कर लेता हूँ कि अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रांग रहेगा। ओके, कॉर्पोरेट निवेश के बेसिस पे, तो एक तो ये होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको ऑर्डर बुक दिखने लगेंगे और वो सेक्टर अच्छा करेगा। वहाँ पे और भी काम हो रहा है क्योंकि नए सेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, फिर एरोस्पेस, लैब ग्रोन डायमंड्स। ओके, मैं आपके व्यूअर्स को बोल दूँ, आप BJP का मैनिफेस्टो खोल दीजिए, सब सेक्टर्स वहाँ पे लिस्टेड है। कुछ सेक्टर्स के बारे में प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में भी बात की थी, जो उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को दी थी इलेक्शन के दिन 7 बजे। और भी क्षेत्र है, तो ये सब क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट होगा। तो पहला ये हुआ।
दूसरा कि निजी क्षेत्र में ऋण बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। अब आप समझ लो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में टोटल डेट जो है जीडीपी की तुलना में 50% पे है, पीक पे 62 था, वहाँ से गिर के 50 हुआ है। आप दुनिया की टॉप 15-20 इकोनॉमीज को पकड़ लो, ये सबसे लोएस्ट है, इससे ये सबसे न्यूनतम है। सब जगह पे आप देखो, चाइना में 200% पे पहुँच गया है, अमेरिका में 200 है, इंडिया में 70 है, 50 कॉर्पोरेट में, 20 हाउस होल्ड में, तो कुल मिला के 70 है। ये 70 अगले 10 साल में मेरे हिसाब से 100 हो जाएगा। अब जीडीपी आपकी ग्रो हो रही है 11-12% या 10-11% से, और जो ऋण का उसमें जीडीपी का श्रेय है वो जा रहा है 70 से 100, तो आप 15-16% का क्रेडिट ग्रोथ मान लीजिए। तो मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बिजनेसेस में बड़ी तेजी आ रही है, तो ये काफ़ी स्टॉक्स सस्ते हैं अभी, प्राइवेट बैंक्स बहुत सस्ते हैं। तो मेरे हिसाब से नहीं क्या इनको, तो पिछले कुछ 2-3 साल से FSL कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब खत्म हो गया है। अब मेरे हिसाब से ये सब खत्म हो गया है, तो अगले 2-4 साल में ये काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो सबसे बड़ा तो ये जो मंदी है वो खत्म, तो ये दूसरा हुआ इंडस्ट्रियल्स, फिर प्राइवेट बैंक्स, मैं कोई ऑर्डर में नहीं बोल रहा, मैं समझ गया। और तीसरा है कंजम्पशन में। अब कंजम्पशन में समझना चाहिए कि ये हमारी आय की पिरामिड है, इनकम पिरामिड। अब ऊपर टॉप इनकम वाले वहाँ पे बैठे कुछ 50 लाख फैमिलीज, ओके, परिवार 50 लाख है, वहाँ पे अगले 10 साल में 2 करोड़ परिवार जुड़ रहे हैं। सो 50 लाख से 2.5 करोड़ हो रहे हैं, 5 गुना, ओके। तो आप लग्जरी कंजम्पशन में देख लो, 5-स्टार होटल्स हो, एयर ट्रैवल हो, सोने की खरीदी हो, या कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट, लुई विटों के पर्सेज हो, आईफोन्स हो, वहाँ पे बड़ी तेज़ी आ रही है। तो वहाँ पे जो जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उनको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि 5 गुना हो रहा है 10 साल में, तो आप ग्रोथ लगा लो। नीचे यहाँ पे कुछ मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 10 करोड़ परिवार मध्य वर्ग में जा रहे हैं। अब इन लोग के लिए ना आज, इन लोग के लिए आज रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसा है, और कुछ नहीं खरीदते ये लोग, बस उनकी सब सस्टेनेंस स्पेंडिंग है। अब आप समझो, जैसे ही आपके पास इंक्रीमेंटल आय आई, जैसे ही आपकी आय बढ़ने लगी, तो आप घर को पेंट करोगे, आप मोबाइल फ़ोन खरीदोगे, आप इंटरनेट खरीदोगे, आप एक ट्रैक्टर लो लोगे, आप 2-व्हीलर ले लोगे, तो आप ये जो बेसिक कंजम्पशन गुड्स हैं वहाँ पे बहुत तेजी है। जैसे मुझे तो 2-व्हीलर में बहुत तेजी लग रही है, स्मॉल कार्स में तेजी रहे, भाग चुके हैं सारे के सारे स्टॉक्स, 4-4, 5-5 गुना हो गए टीवीएस, हीरो मोटर स्टॉक। अनुज, पिछले 10 साल में टोटल 2-व्हीलर डिमांड 2% से बढ़ा है एनुअली, जीडीपी ने 6% का एवरेज मारा। कह रहे हैं 2% का 10% भी हो सकता है। नहीं नहीं, कितना रिप्लेसमेंट डिमांड भी होने वाला है, ये तो शुरू हुआ है अभी। तो आप इसको शेयर, जैसे मैंने कहा था कि मार्केट बेवकूफ़ नहीं है, मार्केट को दिख रहा है कि ग्रोथ आ रहा है, तो ये मुझे लग रहा है इसमें बहुत अभी बाकी है। तो कंजम्पशन में ना दोनों जगह पे तेजी है। और एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, आप बैंक्स पे भी ओवरवेट है, आईटी पे भी ओवरवेट है। हाँ, इसका क्या कारण है? नहीं, आईटी पे साइक्लिकल कॉल है, क्योंकि हमें लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी, आपने पिछली बार कहा था कि वो रिसेशन प्राइस दिन है, रिसेशन तो आया ही नहीं, तो स्टॉक्स ने तो खैर बॉटम लगा दिया तभी। बस तो वो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा ग्रोथ एक्सेलरेट होगा, ऑर्डर्स इनकी बढ़ेगी, और उसके अंदर भी जो इंजीनियरिंग R&D कंपनीज है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा डिमांड आने वाला है, क्योंकि बहुत सारा इंजीनियरिंग का काम इंडिया को शिफ्ट होने वाला है। तो उनके यहाँ ना जो उनके जो वेतन है इंडिया की तुलना में बहुत ज़्यादा है, और अमेरिका की कॉर्पोरेट सेक्टर को आज मार्जिन्स बढ़ाने हैं, तो वो इंडिया आ रहे हैं बड़ी मात्रा में, तो बहुत इसमें इकोनॉमी को भी फायदा होगा और सेक्टर को भी होगा। ओके, एक आखिरी सवाल, जब पिछली बार मैंने आपका इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि मैं अपने आप को रोज चूंटी काटता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही तो बुलिश नहीं हूँ, तो वो बुलिशनेस वो तो रहता है, वो तो रहेगा ही जब तक ये, इट इज़ गुड थिंग टू डू। जब आप बुलिश हो तो यू शुड बी स्केप्टिकल, आपको हमेशा ये लगना चाहिए कि मार्केट ठीक नहीं है, जब आप नहीं हो बुलिश तो उल्टा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला और आपकी कॉन्फ्रेंस के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू अनुज, थैंक यू, धन्यवाद आपका।